यार मेरी पिंक शर्ट से हरगिज ये ना समझना कि अगली बारबी मूवी के अंदर मैं कैन बनना चाह रहा हूँ. लाइक सीरियसली मुझे कैन नहीं बनना. They planned just a giant blowout party with all the Barbies and planned. यार बारबी जो मूवी है वो अभी रिलीज हुई है जुलाई के अंदर. ओपनहाइमर के साथ इसकी रिलीज डेट रखी गई थी 2 घंटे की. ये जो फेमिनिस्ट फिल्म है ये लिटरली उस कैरेक्टर को जान भर रही है जिसको आप लोगों बचपन से देखते आ रहे हो. अगर आप लोग गर्ल्स हो खासतौर पे तो आपने इस मूवी को बचपन से बहुत देखा हुआ है. इसकी एनिमेटेड 30 मूवीज बन चुकी हैं अब तक और एट लास्ट ये एनिमेटेड से बाहर निकले और उन्होंने 2023 के अंदर इसकी रियल मूवी भी बना डाली. ये मूवी जो है ये अडल्ट थीम मूवी है. ये हरगिज बच्चों की मूवी नहीं है. आप अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो अपने बच्चों को अडल्ट जोक्स नहीं सुनाना चाहते तो मैं पहले बताता चलूं कि इस मूवी में बहुत ज्यादा अडल्ट जोक्स. राजा जी यार आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो बारबी की मूवी के बारे में आप लोगों को अभी तक नहीं पता. और इस वीडियो को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मूवी आपके लिए बनी भी है कि नहीं बनी है. तो बगैर को टाइम जाएगी हम शुरू करते हैं. मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ. इस चैनल के ऊपर सीजन मूवीज रिएक्शन रिव्यूज आपको सब मिलने जा रहे हैं. तो बगैर कोई टाइम जाए तो चलिए शुरू करते हैं. रॉटन टोमेटोज की जिसमें ये मूवी 89% पे है. इस मूवी की डायरेक्टर की बात की जाए तो ग्रेटा गर्विग है. यार ये जो डायरेक्टर है ये अभी तक सिर्फ 4 मूवीज को डायरेक्ट कर चुकी है. ऐसा नहीं है कि ये इस एरिया के अंदर न्यू है और बड़ी बड़ी नो स्ट्रिंग्स अटैच जैसी फिल्म में भी काम किया हुआ है. लेकिन अगर डायरेक्टर की सीट पे उनको बैठाया जाए तो उनकी सिर्फ 4 मूवीज है. इससे पहले वो लिटिल वुमन, लेडी बर्ड जैसी मूवीज को भी डायरेक्ट कर चुकी हैं. और इनकी जो चारों मूवीज हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. इससे पहले ऐसा देखा जाता था कि यार डायरेक्टर जो है उनको एक लगा दिया जाता है ये तुम इसी को डायरेक्ट कर सकते हो. मतलब तुम एक हॉरर फिल्म के डायरेक्टर हो तुम एक्शन फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हो, तुम जो वो सिर्फ कॉमेडी फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हो. लेकिन इस डायरेक्टर ने ये दिखाया है कि वो बहुत वर्सेटाइल डायरेक्टर है और हर किस्म की मूवीज को डायरेक्ट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखती है. 145 मिलियन बजट की ये जो फिल्म है इसकी मार्केटिंग लिटरली ऑन अनदर लेवल थी. इसके साथ ही जो ओपनहाइमर अभी अभी लॉन्च हुई है आपने देखा होगा उसकी मार्केटिंग कोई खास नहीं है. वो किलियन मर्फी को जगह जगह ले जाकर खड़ा जरूर कर देते हैं और वो ही उनकी मार्केटिंग हो रही होती है. Really respect him, I really, really trust him. इसके मुकाबले में बारबी ने पूरा बारबी हाउस बनाया लॉस एंजल्स में. इस मूवी की कास्ट बहुत ही बढ़िया है. मार्गो रॉबी इनको आपने सुसाइड स्क्वाड 1, सुसाइड स्क्वाड 2, हार्ली क्वीन, ये मिस हार्ली क्वीन है हमारी. और जब अनाउंसमेंट हुई कि बारबी का रोल मार्गो को मिलने जा रहा है तो बहुत सारे लोग पहले ही एक्साइटेड हो गए थे इसको लेके. और हमारे जो मिस्टर केन है आपने उसको बहुत सारे इसी टाइप के रोल में पहले भी देखा हुआ है, जैसे कि लाला लैंड के अंदर और द नोटबुक के अंदर वो इसी टाइप का कैरेक्टर अदा कर चुके हैं. यह मूवी को जिस तरह की होने जा रही है कि बारबी जो होती है मिस मार्गो जो है वो बारबी वर्ल्ड के अंदर रहती होती है और ये देखा गया है कि जो बारबी इस मूवी में दिखाया जाएगा कि जो बारबी है वो अपनी बारबी वर्ल्ड में बहुत ही खुश है. लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी दुनिया चेंज होना शुरू हो जाएगी. उसकी जो टो है वो टो नहीं बल्कि फ्लैट फुट बन जाएगी वो और वो बहुत हैरान होगी. वो दूसरी बारबीज को भी अपने मसाइल दिखाएगी कि ये मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है. फिर वो You can go back to your regular life or you can know the truth about the universe. और उसका एडवेंचर जब स्टार्ट होगा रियल वर्ल्ड की तरफ तो उसके साथ एक और कैरेक्टर आ रहा होगा और वो है I'm coming with you. Okay. फिर दिखाया ये जाएगा कि बारबी रियल वर्ल्ड में जाएगी तो बहुत हैरान होगी क्योंकि वहां पे लड़के उसको ताड़े होते हैं. बेसिकली इस मूवी के अंदर ये जो मुआशरे की बुराइयां हैं जो रियल लाइफ की बुराइयां उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज द वर्ल्ड डूइंग और एक लड़की को या फिर एक कैरेक्टर को कैसे लोग बुरी निगाह से देखते हैं. और फिर बारबी को काफी अपनी ओल्ड वर्ल्ड याद आ रही होगी. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी दिखाई जाएगी जो बारबी और केन के पीछे पड़ जाएगी कि ये बारबी वर्ल्ड से बाहर कैसे आ गए लोग तो वो उसको पकड़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोच रहे होंगे कि किस तरह से उनको पकड़े और वापस उनकी दुनिया में भेजें. तो अगर आप मेरा वर्डिक्ट सुनना चाहते हैं कि ये मूवी मुझे कैसी लगी तो मैं एक सिंपल एक लाइन में कहूंगा दिस मूवी वाजंट फॉर मी. या मैं उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं था. इसके जोक्स कुछ अच्छे थे लेकिन कुछ जोक्स ऐसे थे जैसे ड्रैग कर रहे हैं और
केन की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी और मार्गो तो है ही जबरदस्त एक्ट्रेस, और उनके अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स के सीन थे वो जस्ट एग्जैजरेट किए गए थे। मुझे लगता है ये 2 घंटे की फिल्म नहीं, ये 1.5 घंटे की फिल्म आराम से बन सकती थी। 20-30 मिनट उन्हें फजूल के बढ़ाई हैं, कुछ काम के सीन्स नहीं डाले हैं इस मूवी के अंदर। अगर आपको बारबी पसंद है और अगर आप बचपन में बारबी की मूवीज देखते रहे हैं तो ये मूवी आपके लिए होगी और आप इसको जरूर देख लें। लेकिन नहीं बनी, काइंडली सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।